हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम माय यूट्यूब चैनल JSP ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और सब कैसे हो? दुआ करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपको एक नई वीडियो लेके आई हूँ कि हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या काम करने चाहिए हम सबको, कि जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, होने में आसानी हो। तो आज मैं एक आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या काम करे थे मैंने। तो नंबर एक, हमें डेली झाड़ू लगानी चाहिए। सुबह के टाइम उठ के झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि झुक के थोड़ा लगाते हैं तो हमारी हड्डियाँ सही रहती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती। और झाड़ू के बाद, उसके बाद हमें पोछा डेली लगाना चाहिए। पोछे से हमारा नसें खुल जाती हैं, पोछा लगाने से नस खुल जाती हैं, तो उससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी रहती है। डेली सुबह में पोछा लगाएं, शाम को भी लगा दें। और नंबर तीन, हमें सीढ़ियों पे ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, जो कि हमारी नसें खुल जाएं और हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने में आसानी हो। और हमें वॉक पे जाना चाहिए, वॉक पे थोड़ी दूर चलना चाहिए, कि ताकि हमारी जो नस जो भी हैं वो जुड़ी हैं वो थोड़ी खुल जाएं, तो उससे थोड़ा बच्चादानी का मुंह खुलता है। तो इसलिए हमें वॉक पे भी जाना चाहिए और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हम लोगों को, जो भी अब नई नई मम्मा बनने वाली हैं तो उनके लिए ये काम करना चाहिए। तो इससे नॉर्मल बेबी में आसानी होती है। ठीक है फ्रेंड, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। ठीक है, नमस्ते।